today we shall discuss about second part of narration, part 2. First part में हम कर चुके हैं इसका base, अब करेंगे इसका second part, rule number first. Simple sentence. Simple sentences. Simple sentences के अंदर क्या है जो हमारा set 2 है वो change होगा told के अंदर और कोमा इनवर्टेड कोमास को खोलने के लिए प्रयोग करेंगे दैट का. फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमास बिगिन आई एम प्लेइंग फुल स्टॉप कोमा इनवर्टेड कोमास क्लोज. इसके अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले हमें सेंटेंस का पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस तरह का है, इनकी निशानी क्या होती है. फर्स्ट सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, पहले मिलेगा हमें सब्जेक्ट और वाक्य के लास्ट में मिलेगा फुल स्टॉप. सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या मिलेगा, पहले मिलेगी हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन के लास्ट में मिलेगा आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन. थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस की निशानी क्या होती है कि भाई इस वाक्य के अंदर मेन वर्ब वाक्य के शुरू में मिलती है और लास्ट में आपको मिलता है फुल स्टॉप. फिर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हमें वाक्य के शुरू में मिलता है और वाक्य के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा कि भाई वाक्य में हमें कुछ शब्द मिलेंगे जैसे हुर्रा अलास और उनके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, उसको बोलेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो सिंपल सेंटेंस को हम चेंज करते हैं जैसे हमने टेबल वगैरह बनाई हुई है. ही सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, मी का मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा खोलने के लिए प्रयोग करेंगे हम दैट का. आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा है थर्ड पर्सन. तो आई के सामने टेबल में हम देखेंगे कि भी क्या मिलता है हमें ही. तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही इज हमारा चेंज हो जाएगा वाज वर्ब में, ही वाज प्ले. सिंपल रूल. रूल नंबर सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा जो सेट टू है वो चेंज हो जाएगा आस्कड में और कॉमा इनवर्टेड कॉमास को खोलने के लिए प्रयोग करेंगे इफ या फिर वेल अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर. एग्जामिनर जो भी देता है हमें वही चूज करना है. इफ देयर कैन बी फॉर वेदर देयर कैन बी फॉर. फॉर एग्जांपल राम सेड टू मोहन कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन इज ही स्लीपिंग साइन ऑफ इंटरोगेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमास क्लोज. तो क्या हो जाएगा भाई, राम सेड टू के स्थान पे आ जाएगा आज, मोहन का मोहन कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए इफ. अब पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही का ही, इज एम आर चेंज हो जाएगा वाज वर्ब में, ही वाज स्लीप और फुल स्टॉप. इसके बाद आता है रूल नंबर थ्री. अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के तुरंत बाद डब्ल्यू एच परिवार का कोई भी शब्द मिलता है जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हाउ, इनमें से अगर कोई भी शब्द मिलता है तो उस वाक्य के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो सेट टू है वो चेंज हो जाएगा आस्कड में और कॉमा इनवर्टेड कॉमा को खोलने के लिए प्रयोग करेंगे हम उसी शब्द का जो दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल गीता सेड टू सीता कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन व्हाई आर यू लाफिंग साइन ऑफ इंटरोगेशन कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज. तो क्या हो जाएगा भाई, गीता सेड टू के स्थान पे आ जाएगा आस्क सीता, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बोलने के लिए उसी शब्द का प्रयोग होगा जो दिया गया है. Why का why? You second person है, change according to object. Sita third person है, तो you के सामने third person वाले line में देखेंगे तो क्या आएगा, see. Is a margin जो जाएगा वाज़ वर्ब में, why से वाज़
laughing और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप. रूल नंबर फोर, अगर हमारी इंपॉर्टेंट स्पीच डोंट से शुरू होती है यानी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के तुरंत बाद डोंट मिलता है तो उस वाक्य में सेड टू के स्थान पे प्रयोग करते हैं हम फॉरबेड और आस्क, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. लेकिन कॉमा इनवर्टेड कॉमास को खोलने के लिए अगर फॉरबेड का प्रयोग करते हैं तो टू आएगा और आस्क का प्रयोग करते हैं तो नॉट टू का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कॉमा कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन डोंट मेक अ नॉइज, मेक ए नॉइज फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमास क्लोज. तो क्या आ जाएगा भाई, द टीचर सेड टू के स्थान पे अगर हम प्रयोग करते हैं फॉरबेड का, फॉरबेड द स्टूडेंट्स कॉमा इनवर्टेड कॉमा खोलने के लिए टू का प्रयोग होगा और ये डोंट कट जाएगा और मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज आ जाएगी क्योंकि मेक टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हमें करते हैं. अगर इसको प्रयोग करते हैं आस्कट में तो क्या आ जाएगा, द टीचर सेड टू के स्थान पे आ गया भाई आस्कट द स्टूडेंट्स, आस्क द स्टूडेंट्स कॉमा इनवर्टेड कॉमा को खोलने के लिए नॉट टू का प्रयोग होगा, मेक ए नॉइज फुल स्टॉप. नेक्स्ट रूल नंबर फाइव, रूल नंबर फाइव, अगर रिपोर्टेड स्पीच के तुरंत बाद आपको मिलता है लेट अस तो उस वाक्य में हम क्या करेंगे, हमारा जो सेट टू है वो चेंज हो जाएगा सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड. कॉमा इनवर्टेड कॉमास को खोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं इसमें दैट का और जो लेट अस दिया हुआ है इसके स्थान पर प्रयोग करते हैं वी शुड या फिर दे शुड. ये वी शुड और दे शुड में से अपनी मर्जी के अनुसार प्रयोग नहीं होता. अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया होता है उनमें से अगर एक भी फर्स्ट पर्सन है तो हम प्रयोग करते हैं वी शुड का और इनमें से अगर दोनों ही सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन है तो प्रयोग करते हैं हम दे शुड का. फॉर एग्जाम्पल राम सेड टू मी कोमा कोमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन लेट अस प्ले चेस फुल स्टॉप कोमा इनवर्टेड कॉमास क्लोज. तो क्या हो जाएगा भाई, राम सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड मी का मी कोमा इनवर्टेड कॉमा बोलने के लिए दैट और लेट अस के स्थान पर हम प्रयोग कर लेंगे वी शुड का प्ले क्योंकि शूट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है प्ले चेस फुल स्टॉप. रूल नंबर सिक्स, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य, इसमें हम किस चीज का प्रयोग करते हैं सेड टू के स्थान पे टोल्ड आता है और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे हम दैट का प्रयोग करते हैं लेकिन रिकॉर्डेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कॉमा कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है. इसके अंदर चार पांच वाक्य आते हैं द सन राइज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ इज राउंड और जितने भी हमारे कहानियों के मॉरल हैं ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी यूनियन इज स्ट्रेंथ वो सारे यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आते हैं. जैसे द टीचर सेट टू के स्थान पर प्रयोग करेंगे हम टोल्ड का, द स्टूडेंट्स कॉमा इनवर्टेड कॉमास को खोलने के लिए प्रयोग होगा दैट का और रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा एज इट इज हो जाएगा भाई टू एंड टू मेक्स फोर. कुछ रूल और हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाले जाएंगे और इन रूलों को समझने के लिए कृपया फर्स्ट वीडियो जरूर देखें और उसको सब्सक्राइब करें. थैंक यू.